Now we start exercise 1.1, standard 8. Question number 2. Write the additive inverse. मैंने starting में दिखाया था. What is the additive inverse? Means opposite बोलते हैं. Opposite बोलो. Yeah, additive inverse both are same. Each of the following. Answer. Additive inverse of x, x का additive inverse तो minus x होता है और and minus का additive inverse plus x होता है and दोनों का addition कर लो तो 0 होना चाहिए. A sum of two number is 0. Then they are said to be additive inverse of each other, opposite of each other. This is known as the opposite number. इसको हम opposite number बोलेंगे. Now number 1, additive inverse. Additive inverse of opposite number of 2 upon 8 equal to minus 2 upon 8. 5 का minus 5, minus का plus 5. 2 का minus 2, minus 2 का plus 2. Minus 11 upon 100, तो plus 11 upon 100. Same copy to copy. Additive inverse and उल्टो opposite number of minus 5 upon 9 खाली साइन चेंज करने की तो plus 5 upon 9. Number 3 minus 6 upon 5 तो साइन चेंज कर दो. ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस कर दोनों. माइनस का प्लस कर दिया, नीचे भी माइनस का प्लस कर दिया तो 6 अपॉन 5. नंबर 4 एडिटिव इनवर्स या ऑपोजिट ऑफ माइनस 2 अपॉन माइनस 9 या 2 प्लस है तो माइनस 2 लिख देंगे. माइनस 9 है तो प्लस बदल लेंगे. इसे माइनस 2 अपॉन 9 is additive inverse of 2 upon minus 9. Number 5, additive inverse yeah, opposite of 19 upon minus 6 yeah, 19 plus hai, to minus 19 likh do. Minus 6 hai, to plus 6 likh do. To minus 19 upon 6 is the additive inverse bolo या ऑपोजिट बोलो, दोनों सेम है. 5 का ऑपोजिट माइनस 5, 1 अपॉन का ऑपोजिट माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 100 का ऑपोजिट प्लस 100, माइनस 1 अपॉन 100 का ऑपोजिट प्लस 1 अपॉन 100. खाली साइन प्लस हो तो माइनस करने की, माइनस हो तो प्लस करने की. नाउ क्वेश्चन वेरीफाई, हमको चेकिंग करने का है. माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं होता है. वी हैव गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इक्वल टू 11 अपॉन 15. देयरफॉर दोनों साइड माइनस करें, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 15 हुआ. देयरफॉर माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 11 अपॉन 15. माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, इसलिए 11 अपॉन 15 हो गया. देयरफॉर इट सेटिस्फाई टू बी माइनस एक्स इनटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई होता है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17.
इसका ऑपोजिट माइनस एक्स, तो माइनस साइन बदल जाएगी प्लस 13/17। हमको सेटिस्फाई करने का है कि माइनस इन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स की वैल्यू 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17 है। यहाँ एक्स इक्वल टू दिया ही है माइनस 13/17। ये नंबर वन एंड नंबर टू दोनों सेम हो गया, जब हम माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टेक्स्ट बुक में ओनली गिवन दैट इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट वी कैन राइट अदर वर्ड रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन माइनस 13, नंबर टू माइनस 13/19, टोटल नंबर 6 नंबर तक दिया है। तो पहले समझाओ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू वन, वन होता है तब देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऑपोजिट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई कंपल्सरी वन होना चाहिए, प्रोडक्ट मिस मल्टीप्लाई। तो नंबर वन, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ऑपोजिट बोलो, सॉरी रेसिप्रोकल बोलो, ऑफ माइनस 13 इक्वल टू उल्टा कर दो माइनस 1/13। वी कैन सी दैट माइनस 13 मल्टीप्लाई 1/-13, तो आंसर 1 मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि माइनस रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 13 इक्वल टू माइनस 1/13। नंबर टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल उल्टा ऑफ माइनस 13/19, खाली ओनली उल्टा ही करने का, इन्वर्स ही करने का, रेसिप्रोकल करने का, मट इससे बोलते 19/13। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 13/19 मल्टीप्लाई माइनस 19/13, तो 1 हो जाएगा। 19 कैंसल, 13 कैंसल, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, तो कितना होगा, उल्टा कर दो तो 5/1 मीन्स 5। तो वी टेक प्रोडक्ट 1/5 मल्टीप्लाई 5, तो 1 ही आएगा, 5 कैंसल, मीन्स 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 5/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5/8 इंटू माइनस 3/7 इक्वल टू माइनस 5। 3 जा दोनों माइनस है,
फाइव थ्री जा 15 प्लस 5 अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई प्लस 7 अपॉन 3। तो क्या किया, माइनस का प्लस कर दिया तो माइनस 15 अपॉन 8 7 जा 56 इक्वल टू 8 7 जा 56 अपॉन 15। द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 15 माइनस 15 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 15 56 कैंसल इक्वल टू 1। मीन्स जो दोनों का प्रोडक्ट 1 आना ही चाहिए तब दे आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लिकेट इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5। हम ये भी ले सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस, प्लस 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है तो 5 अपॉन 2 होता है। ये दोनों सेम है, 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल 5 अपॉन 2 हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इक्वल टू 1। 5 5 कैंसल 2 2 कैंसल 1। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5 इज 5 अपॉन 2 आंसर। नंबर 6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1। माइनस 1 अपॉन 1 मीन्स माइनस 1, माइनस 1 का रेसिप्रोकल 1 के अपॉन माइनस ले जाओ तो माइनस 1 होगा तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। मीन्स इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है खाली साइन उल्टा कर दो, साइन को चेंज करने का नहीं है। वी कैन नॉट चेंज द साइन, साइन को हमको चेंज नहीं करने का है, खाली इनवर्स करने का है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है, इतना ही करने का है, दूसरा कुछ करने का नहीं है। दिस इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। थैंक यू।